हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए सफर एडवेंचर में। आज है 30 जून और मैं हूँ यूला के अंदर। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से यूला आप कैसे आ सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कितना टोल टैक्स लगता है, कितना पहाड़ में एंट्री करने का पहाड़ी चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, पेट्रोल गैस कितना लगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे, क्योंकि मैंने कार्ड से पेमेंट करी है, मुझे टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिकली। और गाड़ी हमने खड़ी करी यहाँ पे 600 मीटर डिस्टेंस पे, और हमारा जो होटल हमने बुक करा वो है ये, दिख रहा है आपको ब्लू वाला, इधर एक छोटा मंदिर है, दिखा तो आपको अपना होटल, कल दिखा नहीं पाया था, बहुत थक गए थे, गए सीधा सामान रखा, खाना खाया, सो गए। अभी दिखाऊंगा आपको होटल और अब हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं, दिखाऊंगा ट्रैक के मज़े नज़ारे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यार, हाइप बनी हुई है, पब्लिक कम है बट इंस्टाग्राम पे है इसका हाइप, लोग कम जानते, कम एक्सप्लोर है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ट्रैक, तो मिलते हैं आपको होटल पे उसका ट्रैक पर। तो गाइस ये था हमारा रूम, इधर एक बेड लगा हुआ था, नीचे से गद्दा लगा हुआ है, एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है, छोटा रूम है। इसमें हमारे पास में दो ऑप्शन थे, एक विद वॉशरूम एक विदाउट वॉशरूम, वॉशरूम बाहर है बेसिकली, तो हमने दोनों लिए थे, विद वॉशरूम वाला ऊपर और विदाउट वॉशरूम नीचे। तो इस तरह से था रूम, उसका व्यू ये रहा था, ये इसका व्यू था। फाइनली कर दिया चेकआउट, अब जा रहे हैं हम ऊपर यूला ट्रैकिंग पे, तो मिलते हैं आपसे ऊपर ट्रैकिंग पे, अभी के लिए बाय बाय। तो गाइस ट्रैक हो गया स्टार्ट और सिर्फ 100 मीटर चले होंगे, बत्ती गुल हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास खुद की कैंप है, खुद का मैट्रेस है, खुद की गैस है, खुद का खाने पीने का अरेंजमेंट्स है, इसलिए सामान ज़्यादा भारी हो रहा है। और ऊपर आते आते ये देखो छोटी सी एक बुद्धा वो बना हुआ है, मोनेस्ट्री टाइप होता है ना, मतलब छोटा सा इनका, ये रिंग्स होते हैं घुमाने वाले बेल्स, वो है। अरे ये इस तरह से, ये तो बस इस तरह से कुछ है ये। बाकी ट्रैक के मजे तगड़े आ रहे हैं पर हालत ख़राब हो रही है, खड़ी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, मतलब खीर गंगा और आपका केदारनाथ और आपका वैष्णो देवी कुछ भी चढ़ाई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खड़ी है। बाकी चलते हैं ऊपर, देखेंगे व्यू कैसा है, तो मिलते सीधा आपसे ऊपर। सेब तोड़ के पेड़ों से सेब खाए जा रहे हैं, फ्री का माल, देखो भाई ट्रैकिंग में हरे सेब फुल खाए जा रहे हैं, वो देखो बैग भर रखा है, यहाँ भी एक और फ्रूट है ये देखो भाई। बाकी इधर भी देखो लगे पड़े हैं, ये कौन सा, ये क्या था, ये आलू बुखारा, ये आलू बुखारा मतलब पुलम कहते हैं इसको, वो है आगे सेब के पेड़ है, हाँ सेब के पेड़ है, आलू बुखारा है, पुलम बोलते हैं इसको, बहुत सारा। तो आप आओगे तो आप ऐसे पेड़ से तोड़ कर खा सकते हो। बाकी तो पानी की बोतल भर के चलो, आगे जाकर डबल रेट है पानी का, लोकल लोग बता रहे थे, तो पैसा सेव करो, मिलते हैं आपसे आगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए बीच बीच में दिखाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। ऐसे खड़े जीने हैं, ये देखो भाई बंदे नीचे से आ रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, व्यू अच्छा है, पानी की बोतल का फ़ायदा ये होता है जगह जगह ऐसा साफ पानी आ रहा होता है जहाँ से आप भर सकते हो, अंदर बाल्टी लगे देखो लोग भर रहे हैं, इससे आप 50-50 रुपये पर बोतल, मतलब होता है 4-5 बोतल 200-250 रुपये खर्च कर दोगे, ऐसे पैसे बचाओगे। तो यही है अभी तक का अपडेट, पानी की बोतल आना भूले, बाकी मिलते हैं आपसे आगे। गाइस सबकी होगी हालत खराब, ये देखो गांजा 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 तो गाइस सबकी हालत खराब हो चुकी है, ये देखो लाइन कॉपी कर ली है, ये देखो मरीली, सब लोग थक चुके हैं, मरीली खा, देखो मरीली की हालत खराब हो गई है, चश्मा के वेट उठा नहीं पा रही है और बॉडी क्या चलाएगी अपनी। और ये देखो तो भैया थोड़ा थोपड़ा पानी बचा रहा है बस, हम लोगों ने दूसरों के फ्रूट चुराए हैं बहुत, हाँ, सारे बस हाल खाए हैं बस। और देख लो भाई ये जीनी है और ऐसी जीनी अभी ऊपर भी है, हाँ, ये ज्यादा थका रहे हैं। बाकी व्यू देख लो ऊपर से आप, व्यू तो अच्छा भाई, व्यू अच्छा भाई, चलो चलो। तो गाइस यहाँ से आओगे ऊपर और यहाँ लगे हैं दो बोर्ड, तो आपको कहाँ जाना है इस पे लिखा है जन्माष्टमी मार्ग इस साइड, तो आपको अपने राइट साइड जाना है, लेफ्ट मत जाना, ये है यूला गांव, तो अपना राइट साइड में ऊपर ये है, इधर से अगेन स्टेज स्टार्ट है, यहाँ पे देखो पानी वानी का स्रोत बना हुआ है, तो अगर आप आओ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारे बंदे कंफ्यूज हो रहे थे पर लोकल एक बंदा मिल गया, उससे पूछ कर हम इससे राइट साइड पर जा रहे हैं, जिससे आप आओ तो आपको परेशानी ना हो, मिलते बाकी आगे। हालत ख़राब आगे एक छोटे से गाँव में, पर घर बड़े अच्छे अच्छे बने हैं यहाँ पर, घर देखो वुडन के बने हुए हैं, ये बंदे हमारे आ रहे हैं, लकड़ी का स्टॉक रख रखा है इन्होंने, क्योंकि लकड़ी घर है, लकड़ी का स्टॉक भी रख रखा है इन्होंने कि आग वग जलाने काम आएगी, पर घर बड़े अच्छे बने हैं, ये देखो लकड़ी और पत्थर से बना रखे हैं मजबूत, और ये देखो गांव।
अगर एक गांव आया तो उसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, सही जा रहे हो। ये देखो ऊपर चढ़ाई से दिखाता हूँ आपको मैं व्यू कैसा है। यारे बंदे चलो चलते ऊपर। एक है हमारा बंदा। गाइज एक और इन्फॉर्मेशन, जब ऊपर आओगे आप ये देखो मैं आया हूँ इस रास्ते से ऊपर, ऊपर आके यहाँ पे कट रहे दो रास्ते, एक है ऊपर एक है नीचे। आपको जाना ऊपर वाला क्योंकि ऊपर वाला है जन्माष्टमी मार्ग और नीचे यूला है। आगे जाके वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आगे जाके वापस पीछे आने से बढ़िया है आप सीधा यहीं से इस रास्ते पर ऊपर चढ़ जाओ। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आप आओ तो वीडियो देख के आप कन्फ्यूज ना हो और गलती से आप गलत रास्ते पर चले जाओ। तो बाकी मिलते हैं आपसे और आगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये देखो गाइज व्यू, ये देखो भाई बाकी आधे बंदे हमारे ऊपर, आधे हमारे नीचे और आधे हैं बीच में। भाई बस लोगों ने ना अभी तक व्यू ये देखो लड़की की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और अभी हम बस इतना ही ऊपर आए हैं और हमारी हालत खराब हो चुकी है। पीछे देखो चलो गाइस है वैसे डिफिकल्ट है। बाकी देखो पत्थरों में यहाँ पे ना लोहा होता ना आयरन टाइप है हर पत्थर में। यहाँ पर चलते सीधा मिलते आपसे ऊपर। तो गाइस बीच में आया एक वाटरफॉल और बड़ा वाटरफॉल यही है, आगे छोटे छोटे से हैं। अगर आपको नहाना है पानी वानी भरना है कपड़े वपड़े भिगाने हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये देखो, ये पूरा जा रहा है नीचे तक और ये देखो बहुत हैवी मतलब फ्लो है इसका। मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो देख रहे। बाकी हम भी चलते हैं क्रॉस करते और मिलते हैं क्योंकि अंजलि को लग रहा है डर जाने में, तो हम रोड क्रॉस करके इसको फिर मिलते हैं आपसे आगे और कुछ अगर एक्साइटेड मिलता है तो। गाइस यहाँ से स्टार्ट हो गए जंगल वाला रास्ता, पूरे घने जंगल चारों तरफ। ये देखो ऐसा रास्ता जा रहा है पर आगे जाके सेम वही फिर सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और ये देख लो पूरा चारों तरफ घना जंगल है। अब वो ख़त्म हो गए खुला खुला पहाड़ी रास्ता, अब हो गए स्टार्ट जंगल वाला फॉरेस्ट वाला। चलते हैं देखते हैं कैसा क्या रहता है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हुई कोई अपडेट हुआ कोई रास्ते को लेकर हुआ बताऊंगा आपको वीडियो में। बाकी सीधे मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं, ये फॉरेस्ट वाला रास्ता बचा था 1 किलोमीटर जो कि हम क्रॉस करने वाले हैं। सबकी होगी हालत ख़राब, उसका रीज़न ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मतलब ज़्यादा रास्ता नहीं है चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, खड़ा रास्ता है ये इस वजह जल्दी थक रहे हैं। बाकी बहुत छोटा ट्रैक है, इतना लगा नहीं मुझे कि इतना और ट्रैक इतना लंबा ट्रैक है, बट चढ़ाई ज़्यादा है इस वजह से जल्दी सब थक रहे हैं। बाकी सबकी हालत दिखाओ मैं आपको। ये देखो ये सारे बैठे हैं और इन सबकी है बत्ती गुल। ये देखो भाई हालत खराब हो गई, एक ये पड़ा मरीज, एक हमारी मरीज, बाकी इसने हमारा साथ दिया पूरा अभी ऊपर आने में। बस गाइस यही है, बाकी मिलते हैं आपसे ऊपर। इतनी मेहनत और शिद्दत के बाद इतना दूर पहुंच पाए फाइनली यार, आ गया गेट यूला कांडा जिसका नाम स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा है। यहाँ फाइनली हम पहुंच गए, देखो ये है ये मंदिर। यहाँ पे क्यों है, जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, कृष्ण जी के मंदिर का यहाँ पे स्थापना की थी। वही मंदिर है जस्ट पानी के बीच में। तो आज तो हम आप मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, सुबह ऑलरेडी मॉर्निंग दर्शन करेंगे, अभी ऊपर जाएंगे कैंप लगाएंगे खाना बनाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और व्यू दिखाओ आपको भाई एक नंबर, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ये देखो। और तेरी जन्नत गाइस चिक चिल्लावा शुरू हो चुका है। ये देखो गाइस अचीवमेंट देख रहे हो आप, और इनकी देखो टट्टी वट्टी सब भर आ चुकी है, चिल्ला चिकते आ रहे थे पर पहुंचने पे आप दूर दूर तक पहाड़ व्यू। ये देखो यहाँ सब कैंप लगेंगे और सब बैठेंगे सोएंगे, बाकी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मिलते सीधा अभी कैंप के टाइम पर आगे। तो गाइस फाइनली लगाएंगे यहाँ पे टेंट हम, बाकी आप देख रहे हो मेरे पीछे ना ये लगा हुआ इधर लगा हुआ है और ये देखो किसने टेंट लगा रखा है, पूरा व्यू यार ओपन में। बाकी ये देखो एक्साइटमेंट
पूरा मजा ऊपर का व्यू का, मतलब आना वर्थित हुआ यार ये। और ये देखो सेंटर में देख रहे हो ना स्पेस, ये बना हुआ है पूरा बोनफायर का। अपनी आवाज जलाओ और अपने हाथ पास चेको रात को। अब यहाँ लगाएंगे किचन, वहाँ लगाएंगे अभी कैंप। कैंप लगाते हुए वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आप आते तो मैं आपको फुली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि फुल मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अपना कैंप, अपना कुछ सब कुछ अलग ही नेचर है, व्यू कुछ अलग ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अलग। हाँ, बाकी कैंप लगाने की वीडियो में आपको दिखाता हूँ अभी, तो मिलते हैं आपसे कैंप के टाइम पर। गाइस ये देखो स्टार्ट हो चुका बनना, चाय बन चुकी है, बाकी बन रहे हैं पकोड़े। वो देखो सामान कट गया है, कट्टर मास्टर है हमारी ये काटने वाली। मैं क्रेडिट ले लेती हूं। ये आपको याद होगा खिरगंगा पे ट्रैक पे गोबर में गिर गई थी ये वो लड़की है, याद है ना आपने देखा होगा खिरगंगा ट्रैक अगर एक्सट्रीम लेवल ठंडे। और ये लड़की वो है केदारनाथ में, इसकी फटी पड़ी थी गलती से। गाइस अगर आप सर के सारे कि कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कंबल भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। गाइस कुछ नहीं चाहिए, ये देखो कच्चे में बैठा तुम्हारा भाई, ये नशे करके बैठा है, नशे करके। तो गाइस फटाफट आते पकोड़े, फिर दिखाऊंगा आपको पकोड़े। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मिलते हैं आपसे पकोड़े के टाइम पर। तो गाइस स्टार्ट हो गया पकोड़े बनना, बाकी देखो ये सामान बन चुका है, पर सामान भी खत्म हो गया है, नमक खत्म हो गया है, सामान आधा लेके आया बनाने के लिए, तो ऐसे ही बचा हुआ है। बाकी पकोड़े गर्म गर्म बनने, बाकी अब देखो, अब ये देख लो आप ये सारा व्यू, खुला आसमान, खुले आसमान में और बाकी हम हमारे पकोड़े खाते हैं, तो बाकी मिलते हैं। बाकी आप भी आओ, आप भी एक्सप्लोर करो, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, लाइफ यही है बस और कुछ नहीं है। मिलते हैं बाकी भाई, हमें एक नए बंदे मिले हैं, ये देखो। हेलो, क्या नाम है भाई आपका? सनी मल्ला। ये देखो ये भाई हमारे कहाँ से? नेपाल से भाई हमारे। नहीं, सोलन से। नेपाल रहते हैं, नेपाल रहते हैं, सोलन से है। तो ऐसे आप आते हो तो नए नए दोस्त मिल जाते हैं, आप एक बार ट्रैवलिंग करोगे तो बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको। बाकी मिलते हैं आपसे आगे। गाइस फाइनल आके 10 बज चुके हैं और हम बैठे थे आग के सामने, बैठे बैठे ध्यान दिया टाइम का, और अब बनाई मैगी। मैगी खाएंगे, दिखाता हूँ मैं आपको मैगी, फिर इस वीडियो करेंगे एंड, क्योंकि बचा कुछ नहीं। सुबह जाएंगे मंदिर तो दिखाऊंगा आपको सुबह का व्यू, दिखाता हूँ आपको अभी मैगी कैसा बन रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये बन रही मैगी। इतना तो खा लोगी? इधर लगा हुआ है हमारा इसमें सिलेंडर, ठीक है, इसमें बन रहा है। और ये देखो, वो दिखा दूंगी तब डाल देंगे अपन दो। और एक बन रही थी ये भट्टी के अंदर, इसको भी निकालना, ठीक है, स्मोकी मैगी। ये देखो बोनफायर, बाकी सब लोग हमारे इधर बैठे हुए हैं, देख लो भाई। बाकी गाइस आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इंक्लूडिंग कल की वीडियो भी, तो गाइज इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यूला ट्रैक आ सके। ये बहुत कम एक्सप्लोर है ट्रैक, जब आप देखो दूर तक कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा कैंप लगा, भाई का कैंप लगा, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ना भूल लो। बाकी मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।